नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। पूरे बिहार में जो 5 प्रमुख खबरें हैं उसको हम आपको दिखाते हैं ताकि ट्रेंडिंग न्यूज आप तक पहुंच पाए। तो देखिए एक रिपोर्ट, बिहार के उन 5 राजनीतिक, आपराधिक और हर क्षेत्र से जुड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। नीतीश कुमार की छात्रों को सौगात, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम से जोड़ेंगे 23 नई कोर्स। तीन बड़े ब्लास्ट के बाद जमीन दोज हुई बिल्डिंग, छपरा में 500 मीटर तक उड़ा इमारत का मलबा, 6 लोगों की गई जान। बिहार के 18 जिले में बारिश का अलर्ट, दरभंगा पूर्णिया समेत 20 जिले में तेज हवा के साथ हल्की बारिश की संभावना। बॉयफ्रेंड ने रिसीव नहीं किया वीडियो कॉल तो प्रेमिका ने लगा ली फांसी। पीयू में बढ़ी फीस को लेकर बवाल, छात्रों ने कहा पूर्णिया विश्वविद्यालय 1000 लेकर कर रहा है आर्थिक दोहन, सीएम को भेजेंगे चिट्ठी। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में 23 और नए विषय जोड़े जाएंगे। यह वह विषय होंगे जिनसे संबंधित कोर्स की पढ़ाई के लिए विद्यार्थी लोन ले सकेंगे। अभी तक इस योजना के तहत करीब 42 तरह के कोर्स की पढ़ाई के लिए लोन लिए जाते हैं। शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। सरकार इस प्रस्ताव को बहुत जल्दी मंजूरी देने जा रही है। वहीं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 1,00,000 विद्यार्थियों को लोन देने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से करीब 15,000 से अधिक आवेदकों ने अभी आवेदन दिया है। लोन मंजूरी की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम से जुड़े विशेषज्ञों के मुताबिक इस योजना को संचालित करने के लिए अलग से राज्य स्टेट परियोजना प्रबंधन इकाई बनाने का भी प्रस्ताव है। बिहार के सारण जिले के खैरा थाना क्षेत्र के गोदाईबाग गांव में उल्हनपुर पुल के पास एक निजी मकान में चल रहे अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस घटना में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों में 3 की स्थिति गंभीर है जिन्हें इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोदाईबाग के रियाउद्दीन मियां व उनके भाई घर में कई साल से पटाखा बनाने का काम करते थे। रविवार की सुबह घर की रसोई में महिला खाना बना रही थी, इसी समय पटाखे में आग लग गई जिसके बाद आग की लपटों से सिलेंडर में भी विस्फोट हो गया। वहीं विस्फोट की इस घटना के बाद प्रशासन के निर्देश पर मुजफ्फरपुर से फॉरेंसिक की टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया। पुलिस के अनुसार विस्फोट की घटना पटाखे में आग लगने तथा घर में रखे सिलेंडर में विस्फोट होने के बाद हुई। बिहार में पटना सहित 18 जिले में मध्यम दर्जे की बारिश का अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। दरभंगा और मुजफ्फरपुर सहित 20 जिलों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना भी जताई गई है। आधे बिहार में मध्यम तो आधे बिहार में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, समस्तीपुर, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, भोजपुर, बक्सर, अलवर, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास में हल्की बारिश की संभावना है। सुपौल के रतनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवानपुर पंचायत के वार्ड नंबर 9 निवासी ब्रह्मदेव मेहता की 22 वर्षीय पुत्री लक्ष्मी कुमारी ने प्रेम प्रसंग में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कमरे में सो रही मृतिका को जब उसके पिता ने आवाज लगाई तो वह नहीं जागी और ना ही कोई आवाज दी। इसके बाद जब वह गेट खोलकर अंदर गए तो अंदर का दृश्य देखकर दंग रह गए। देखा कि लड़की फांसी के फंदे से लटकी हुई है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस मामले की गहन छानबीन में जुट गई है। वहीं मृतिका के तथा कथित बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ भी की जा रही है। पूर्णिया विश्वविद्यालय में बढ़े फीस को लेकर बवाल शुरू हो गया है।
कई छात्र संगठन बढ़ी फीस का विरोध कर रहे हैं। छात्रों ने कहा कि पीजी सत्र 2021-23 का आवेदन शुल्क अत्यधिक रखा गया है। छात्रों ने कहा कि 23 जुलाई 2022 को उप कुल सचिव के कार्यालय से चिट्ठी जारी की गई थी। इसमें पीजी में नामांकन के लिए छात्रों से मोटी रकम वसूलने का मन बना लिया है। नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क जनरल और ओबीसी के लिए 1000 व एससी एसटी छात्रों के लिए 700 रुपये रखा गया है। वहीं छात्रों ने कहा कि पूर्णिया विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क इतना क्यों लिया जा रहा है? अगर विश्वविद्यालय प्रशासन फीस कम नहीं करता है तो यह मामला अब सीएम के पास जाएगा।